हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये क्यूट से मिनी प्लांटर, जो कि हमने बनाए हैं पुराने कप्स, जो टूटे हुए कप्स रहते हैं उससे हमने ये बनाए हैं। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। और तो आज हम ये तीन मिनी प्लांटर्स बनाएंगे, और इसे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे वॉल पुट्टी। हाँ, तो सिर्फ वॉल पुट्टी से आज हम ये बनाएंगे। यहाँ पर कोई क्ले या एयर ड्राई क्ले नहीं यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है इस तरह से पुराने कप। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के कप्स है, क्योंकि जो सेट था उसमें से टूट टूट के जाके इतने सारे कप्स बचे हैं, तो मैं उसे वैसे ही रखा था। तो ये है पुराने कप्स, एक का जो हैंडल टूट गया है एक, तो इसे हम यूज़ करके वो प्लांटर्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर वॉल पुट्टी। आप किसी भी ब्रांड का वॉल पुट्टी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उसका एक क्ले जैसा मिक्सचर करना पड़ेगा, जैसे हम रोटी बनाने के लिए डव बनाते हैं वैसे ही हमें इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथों से मल के इस तरह से उसका एक सॉफ्ट डव बना के लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, एकदम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पानी डाल के हाथों से मलना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा, तो आपको पहले लगेगा कि ये बहुत ही ड्राई, लेकिन जैसे जैसे आप उसे मलते जाएंगे तो वो एक साथ होने लगेगा। फिर हाथ धो लीजिएगा अच्छे से और बाद में इसे इस तरह से मल दीजिएगा। हाथों के बीच में इस तरह से रोल करने के बाद फोल्ड कीजिए, रोल करने के बाद फोल्ड कीजिए, तो आपको एकदम से सॉफ्ट ऐसा डफ मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जिस तरह से इसका ये डब बनाते हैं उसी के हिसाब से आपका जो एंड रिजल्ट होगा वैसा होगा, नहीं तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसीलिए ये इतना सॉफ्ट मलना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसका एक छोटा सा बॉल लेके इसको इस तरह से किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट से आपको इसको बेलना है। आप इसके लिए छोटा सा बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करूँगी मैं, उस तरह से एक रोटी जैसा बेल बेल के हम जो कप है उसको पूरी तरह से कवर करेंगे, ताकि वो कप है इस तरह से ना दिखे, पूरा कवर करना है। तो पहला वाला जो कप है उसको हम बनाएंगे आउल शेप का। तो आउल का शेप के लिए, उसको थोड़ा सा फुलाने के लिए, मैं यहाँ पर और थोड़ा सा ज़्यादा जो हमने डब लिया है उससे यहाँ पर राउंड शेप देने की कोशिश करूँगी। अब हम उसका फेस बनाएंगे। तो फेस के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा सा गोला, और उसको थोड़ा सा थिकनेस में हम इस तरह से राउंड शेप बेल देंगे। अब ध्यान से देखिए मैंने कितना आसानी से यहाँ पर आउल का शेप बनाया, सिर्फ आधे एक साइड उठा के दूसरे साइड पर इस तरह से स्टिक कर दिया। और यहाँ पर स्टिक करने के लिए आपको सिर्फ पानी का यूज़ करना है, फेविकॉल यूज़ नहीं करना है। ये पानी से बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाता है। तो फिंगर्स पे पानी लगा के आप जहाँ पर भी स्मूथ करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कैप लिया है बॉटल का, और इस तरह से आउल के जो आईज होते हैं उसको मैंने यहाँ पर क्रेविंग किया है। अब ये थोड़ा सा हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखिए कि हम ये लेयरिंग में काम करेंगे, तो जिस तरह से पार्ट्स बनाएंगे वो थोड़ा सा सूखने के बाद अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर चिपकाएंगे पानी की हेल्प से, तो वो बहुत अच्छे से चिपक जाता है, नहीं तो वो उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो अब हम जब तक वो सूखता है तो दूसरा शेप हम बनाएंगे, दूसरा मिनी प्लांटर हम बनाएंगे। तो इसी तरह से मैंने जो दूसरा कप लिया है उसको भी मैं यहाँ पर सेम पहले जैसे प्रोसेस से कवर कर लूँगी। अब ये जो कप है तो वो थोड़ा सा गोल और राउंड शेप का है, तो ये मैंने सोचा है कि इसको हम एज अ एलिफेंट प्लांटर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो कप का हैंडल है वो हाथी का फेस वहाँ पर बनाएंगे, और जो तो यहाँ पर मैंने इस तरह से उसको हाथी का फेस का शेप दे दिया है। आईज का शेप के लिए इस तरह से मैंने उसको पानी के हेल्प से चिपका दिया। नीचे की तरफ मैं हाथी के चार पैर बनाऊंगी, वो भी स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पर जो भी आप एक्सटर्नली स्टिक कर रहे हैं तो उसको पानी के हेल्प से इस तरह से स्मूथ कर दीजिए। थोड़ा सा पानी फिंगर्स पे लगा के आप जो भी ऑब्जेक्ट आप चिपका रहे हैं वो अच्छे से स्मूथ करके
छोड़ सकते हैं, तो वो अच्छे से चिपक जाता है। यहाँ पर फेविकॉल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए हमें जो आपने डव मला हुआ रहता है वो अच्छे से होना चाहिए। तो जितना जितना क्वांटिटी में ही चाहिए उतना उतना थोड़ा थोड़ा करके ही आप बनाइए, नहीं तो ये थोड़े 2-3 घंटों में हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हाथी के कान, ईयर शेप बना के मैं उसको भी सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक वो सूख रहा है तब तक हम बनाएंगे थर्ड प्लांट। तो डिटेलिंग जो भी है जो सभी का हम लास्ट में करेंगे। तो जो थर्ड कप है उसको भी मैं पहले कवर कर लूँगी। तो इस तरह का जो कप है उसको मैं आज पांडा का शेप बनाऊँगी। पांडा ऐसा लेटा हुआ है और उसने उसके पेट में जो भी हम सक्यूलेंट्स लगाएंगे वो लिया है, इस तरह से उसका शेप बनाएंगे। तो पांडा का ऐसा फुला फुला रहता है, पांडा इस तरह से भरा भरा रहता है, तो उसी तरह से हम इसको पूरा राउंड शेप में कर देंगे। अब जो इसका हैंडल है वहाँ पर हम पांडा का फेस बनाएंगे। तो मैंने क्या किया है, एक टिश्यू पेपर लिया है और टिश्यू पेपर को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इस तरह से उसका एक बॉल क्रिएट करके जो हैंडल है कप का उसको कवर कर दिया है, ताकि हमें जो बॉल पुट्टी का जो मिक्सचर हमने बनाया वो ज़्यादा ना लगे और ये पूरा भर जाए कप का हैंडल जो है। तो वो हम कवर कर लेंगे जो भी टिश्यू पेपर से हमने राउंड बनाया है, और जो ऊपर की तरफ हम पांडा का फेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा राउंड शेप लेके इस तरह से उसके ऊपर रख के देखा कि पांडा का फेस किस तरह से हम बना सकते हैं। अब किसी भी ब्रश या पेंसिल के हेल्प से हम पांडा के आईज बनाएंगे। अब हम पांडा के पैर और हाथ बनाएंगे। तो अब ये पूरी तरह से जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे वो सूख चुके हैं थोड़ी देर में, हमने इसे 1 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो अब हम पांडा का फेस यहाँ पर चिपकाएंगे। तो चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वॉल पुट्टी का पाउडर और थोड़ा सा पानी लेके उसका थिक पेस्ट बना के इसको चिपकाने के लिए यूज़ किया है। अब मैं उसको हाथ और पैर भी इसी तरह से सेम पेस्ट लेके चिपका दूंगी। यहाँ पर फेविकॉल यूज़ नहीं करना है, बिना फेविकॉल के ही आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब जो पांडा का नेक और जो हमने टिश्यू पेपर का लगाया था वो सब हाइड करने के लिए बाद में हम इस तरह से वो वॉल पुट्टी का रोल करके यहाँ पर उसको चिपका देंगे और फिनिशिंग टचेस देंगे। जो भी आपको फिनिशिंग स्मूथनेस लाना है तो यहाँ पर आप फिंगर की हेल्प से इस तरह से उसको स्मूथ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये पांडा का प्लांटर रेडी हो गया। अब इसे मिनिमम 4-5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है आउल शेप का जो फेस है उसको भी मैंने जो सेम थिक पेस्ट है उसी से मैंने चिपका लिया और वो सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब आते हैं एलिफेंट की डिटेलिंग करने के लिए। तो एलिफेंट के मैंने यहाँ पर जो कान हमने बनाए थे वो हम स्टिक कर देंगे। और यहाँ पर एलिफेंट की छोटी सी पूंछ भी हम डाल देंगे। अब इसे पूरा मैंने 4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था और ये पूरी तरह से सूख चुका है। अभी मैंने ये लिया है पेंट करने के लिए। तो ध्यान रखिए पेंट करने से पहले इसको पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अब जो ये सूख गया है और इसको थोड़ा सा फिनिशिंग टचेस देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सैंड पेपर। तो सैंड पेपर की हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग करेंगे। और पांडा को लेके मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वाइट एक्रेलिक कलर। तो ध्यान रखिए आपको ये अगर एज अ प्लांटर यूज़ करना है तो एक्रेलिक कलर ही यूज़ कीजिए। तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर भी आ जाएगा और एक अच्छा सा मैट फिनिश भी आएगा। अगर आपको इसको थोड़ा ग्लॉसी फिनिश चाहिए तो बाद में कलर करने के बाद में आप इसे के ऊपर वार्निश कर सकते हैं। ग्लॉसी वार्निश से ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब छोटे छोटे डिटेलिंग्स जो रहते हैं
जो कान या नाक का शेप्स है या जो भी आपकी पेंटिंग में बहुत आपकी कलाकारी दिखा सकते हैं। पांडा का होने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है एलिफेंट। एलिफेंट को मैं पूरा ग्रे कलर में भर दूंगी और जो भी उसके कान वहाँ पर मैं थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करके ब्लैक कलर से डिटेलिंग कर दूंगी। और लास्ट में जो आउल है तो उसको मैंने यहाँ पर लिया है येलो टिंट से, मैंने बेस कलर कर दिया और ब्राउन कलर से उसकी आंखें और जो पंख रहते हैं उसका शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और कुछ ब्लैक कलर से डिटेलिंग कर लिया। और इस तरह से हमारी क्यूट से 3 मिनी प्लांटर्स रेडी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से और कम खर्चे में बजट फ्रेंडली ये हमारे मिनी प्लांटर्स हमने रेडी कर लिए हैं। और कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमने बनाए हैं टूटे फूटे हमारे पुराने कप से। तो किसी भी घर में टूटे फूटे कप तो रहते ही है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए और बहुत ही सुंदर दिखता है। और आप इसे इंडोर प्लांट्स में एज अ सकुलेंट लग सकते हैं, नहीं तो एज अ डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं। तो बताइए मुझे आपको ये वीडियो किस तरह से लगा और किस तरह से आपको ये क्यूट से मिनी प्लांटर्स लगे। अगर आप ये प्लांटर्स ट्राई करते हैं इस तरह से तो उसका फोटो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और इधर भी मैं डाल दूंगी। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिएगा, तो आपको मेरे इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।